छोड़कर गए थे उस दिन मैंने मम्मा और पापा से मिठाई ही मांगी थी। मैं कभी भी अपनी गुड़िया को छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा अपनी बेटी के पास ही रहूंगी। गुड़िया का अब अपने नानों के पास दिल लग गया था। सारा दिन वो अपने खिलौनों से खेलती रहती और रात को अपनी नानों के साथ लेटकर कहानियाँ सुनती। समय गुजरता गया। एक दिन गुड़िया की नानो काम से वापस घर लौट रही थी कि तेज हवा शुरू हो जाती है। हवा के साथ बादल भी आ जाते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया की नानो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो अभी बैठी ही थी कि वो पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है और वो वहीं मर जाती है। बहुत कुछ वो कहना चाहती थी। वो अपनी गुड़िया से बातें करना चाहती थी मगर उसे समय ही ना मिला। उस जंगल की बुलबुल शाम को गुड़िया के पास जाती है और उसे बताती है, बेटी आपकी नानो अब कभी लौट कर नहीं आएंगी, वो मर गई है। मेरी नानो कैसे मर गई? आज जब बारिश हो रही थी तो एक पेड़ उनके ऊपर गिर गया। ये बताकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है और गुड़िया बैठी रोए जा रही थी। वो बहुत उदास थी। दो तीन दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया को अब बहुत भूख लगी हुई थी और वो पहली बार अपने घर से बाहर निकलती है। वो उड़ती हुई दूर निकल जाती है। उसे क्या पता था कि वो कहाँ जा रही है, वो तो बस उड़े जा रही थी। फिर वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ मिठू तोता आ जाता है। गुड़िया बेटी आप यहाँ कैसे? नानो भी मुझे छोड़कर चली गई है, परंतु नानो मम्मा और पापा की तरह दूसरे जंगल नहीं गई, वो मर गई है। मगर मेरी मम्मा और पापा को एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया, वो अभी तक नहीं लौटे। गुड़िया अब बड़ी हो गई थी, इसलिए मिठू अब गुड़िया को सारा सच बता देना चाहता था। गुड़िया बेटी आप छोटी थी, हम आपको कैसे बताते कि आपके मम्मा पापा मर गए हैं? वो तो उसी दिन पेड़ के नीचे दबकर मर गए थे और हमने आपसे झूठ बोला था। रो रो कर शायद गुड़िया की आंखों से आंसू खत्म हो गए थे, वो पत्थर बनी बैठी थी। चलो बेटी आप अब अपने घर में चले। फिर गुड़िया अपने मम्मा पापा के घर में चली जाती है। वो समझ चुकी थी कि अब उसे अकेले ही जिंदगी गुजारनी है। वो अपने घर की सफाई करती है, अपनी मम्मा के घोंसले को अपना घोंसला बनाती है और फिर अपनी मम्मा के दोस्तों के साथ भोजन लेने चली जाती है। मगर अब वो रो नहीं रही थी, शायद अब वो बड़ी हो गई थी इसलिए उसका दिल भी बड़ा हो गया था। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, इसलिए हमें जिंदगी के दुखों का मुकाबला करना चाहिए क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया उन दिनों चील के घर का काम कर रही थी। वो बहुत अच्छे से चील के घर का सारा काम करती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो काम भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम काम में दिल नहीं लगा रही। कल बर्तन भी तुमने ठीक से नहीं धोए थे, कपड़ों पर वैसे ही दाग धब्बे मौजूद हैं और फर्नीचर पर भी ऐसे ही धूल मिट्टी पड़ी हुई है। आखिर बात क्या है? क्या मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं देती काम के? मालकिन जी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, चक्कर से आते रहते हैं, लगता है मुझे थोड़ी कमजोरी है। लेकिन आप परेशान मत होए, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं अभी तोते डॉक्टर को बुलाती हूँ, वो तुम्हें चेक करता है कि आखिर बात क्या है। मालकिन जी आप रहने दें, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। लेकिन चीर फिर भी डॉक्टर को बुला लेती है। आप यहाँ कैसे? और आप तो बहुत कमजोर भी लग रही हैं। डॉक्टर जी आप इसे कैसे जानते हैं? ये तो मेरी नौकरानी है। मौसी आखिर क्या हुआ जो आप नौकरानी बनकर काम कर रही हैं? आप तो अच्छी खासी अमीर थी, फिर क्या हुआ और आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चों का सुन के लक्ष्मी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चे मेरे कोई